शुभ प्रभात। आज हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि पधार रहे हैं। सुलभ के इस प्रांगण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय श्री हरभजन सिंह जी। आप डायरेक्टर जनरल हैं कॉरपोरेट अफेयर्स होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। सर, थैंक यू। परम आदरणीय पट जी, पिंकू जी, अनीता जी, डॉक्टर ललित चटर्जी साहब, यहाँ उपस्थित सभी बहनें, बच्चियाँ, भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं इस बात का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आपके बीच आ करके जीवन के इस समय को सार्थक करने का ये जो पुनीत अवसर है, ये निश्चय ही हमारे जीवन में भी शायद शुद्धिकरण की किरणें कुछ छोड़ जाए। सबसे पहले तो मैं संस्थापक महोदय पाठक जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना जीवन इस पुनीत काम के प्रति समर्पित किया और अपनी इस जीवन यात्रा में एक ऐसे जीवन यात्रा को एक ऐसे वर्ग के उद्धार के प्रति समर्पित किया जो बहुत ही दबा कुचला था और जिनके लिए जीवन में ज्योति की किरण की संभावनाएं बहुत कम थी। आप जिन सिद्धांतों पे कार्य करते हैं वो बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं, बहुत ही प्रभावशील हैं। जब मैं यहाँ देखता हूँ कि जब आपने लिखा है कि कृपया मुस्कुराइए, आप सुलभ में हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरा नाती है करीब 1.5 साल का, और जब वो 6 महीने का था बच्चा, तो मैं देखता था कि वो दो ही भाषाएं बोलता है, या तो वो मुस्कुराता है या वो रोता है। और तब मुझे यह अनुभूति हुई कि मनुष्य जब जीवन में आता है तो ईश्वर तो उसे केवल दो ही भाषाएं देके भेजते हैं, और वो भाषा है या तो मुस्कुराहट या रोना। जब तकलीफ होती है तो रोता है, कुंदन करता है, और जब आनंद में होता है तो मुस्कुराता है। उसके बाद बाकी सारी भाषाएं हम समाज से सीखते हैं। अब मैं देखता हूँ बच्चा छोटा है, उसको उसकी माँ उठाती है और खूब खिलाती उलाती है और रोज सिखाने की कोशिश करती है, बेटा ये देखो ये नाक है, नाक है। और थोड़े दिन के बाद उसको मैंने देखा कि एक आध सहेली आई है, तो मनुष्य में एक प्रवृत्ति है दूसरों को इम्प्रेस करने की, प्रभावित करने की। तो बोलती है अभी ना बोलना सीख रहा है, तो उसको बोलती है बेटा नाक कहाँ है, वेयर इज नोज। तो बच्चा क्या करता है कि उंगली अपनी नाक पे रखने की जगह अपनी माँ की नाक पर। वो फिर उसकी उंगली उठा करके उसकी नाक पे रखती है, तो धीरे धीरे वो शब्दों को पहचानना शुरू करता है, इशारों को समझना शुरू करता है। और इस भाषा को हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। जो भाषा माँ अपने बच्चे को सिखाती है वो मातृभाषा हो जाती है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ की भाषा को जब हम अपने अंदर लेते हैं तो वो राष्ट्रभाषा हो सकती है। लेकिन सारी भाषाएं
सेकेंडरी हैं, मतलब बाद की हैं। पहली भाषा जो ईश्वर की दी हुई है वो केवल मुस्कुराहट है या रोना है। दूसरा, मैं देखिए ऐसा है कि मैं कई बार बैठ के विचार करता हूँ कि जीवन क्या है, तो मैं ये देखता हूँ कि जीवन असल में एक अवसर है जो ईश्वर ने हमें दिया है, एक इस काया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए कुछ करने का। अब हम करेंगे क्या, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, माहौल पर निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर करता है, कैसी परिस्थितियों में हम उपजे हैं, किस वातावरण ने हमें संचित किया है, हमें वो बनाया है जो हम बन गए हैं, क्या मौके हैं जो हमारे सामने आए हैं, किनका फायदा उठाने की या किनसे जुड़ने की हमने हिम्मत दिखाई है या किन मौकों से डर के हम पीछे हट गए हैं, ये चॉइसेस, ये जो हम करते हैं जीवन में, वो हमें मूल रूप से धीरे धीरे वहाँ पहुँचाता है जहाँ के हम आज पहुँच चुके हैं, चाहे वो हम हों, चाहे आप हों या कोई भी। तो मेरा धीरे धीरे ये मानना बना, देखिए मैंने अपनी जिंदगी शुरू की मजदूर से, मेरा प्रथम कार्य जो था वो मजदूरी का था, लोहा ढाला करते थे, और 16 वर्ष की आयु में हमने नौकरी शुरू कर दी थी। हम लोग तो बहुत गरीब परिवार से थे, बचपन तो हमारा किसानी में बीता, छोटे होते थे तो गांव में होते थे तो खेती करते थे, तो गांव में क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मूल रूप से एक ही काम होता है कि सिर के ऊपर चारा लेके आओ और उसको कुतर गए पशुओं को दो, तो और या फिर खेत की रखवाली करो या पानी लगाओ मेड़ काट के। तो शुरू में तो 7-8 साल 9 साल तक तो यही करते रहे। उसके बाद हमारे पिता जमशेदपुर चले गए तो हम भी चले गए, परिवार चला गया, धीरे धीरे वहाँ पढ़ाई लिखाई वहीं की, तो लोहे का कारखाना है टाटा स्टील, उसमें घुस गए तो मजदूरी करते रहे। पर क्या चीज है जो मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ाती है, दो चीजें मेरे को जो एहसास हुआ, एक कि शिक्षा, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके लिए ज्ञान के कपाट खोलती है और आपको पंख लगाती है। उम्र कोई भी हो, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन वो नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे तो हमें जो चीज सबसे ज्यादा सिखाती है वो है जिंदगी, जिंदगी के धक्के और जिन हालातों से हम गुजरते हैं वो हमें एक सीख देती है। तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर कई बार वो होते ही उसके उल्ट है, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़े बड़े बोल बोलने वाले लोग दुनिया में कई मिलते हैं, लेकिन असल में कोई आपके लिए कुछ करे वैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं ये देख रहा था कि जब पाठक जी आए तो आप लोगों के चेहरे खिल गए, आप लोग मुस्कुराने लग गए। तो जिसके प्रति आपके मन में आदर होता है, ठीक है, और जिसका आप दिल से सम्मान करते हैं, वो फोटो के और अखबारों के और इन चीजों के मोहताज नहीं होते। ये प्रशंसा और ये जग की जो उस्तुति है वो उनके पीछे पीछे भागती है। मुझे जीवन में, मैंने मतलब कई बार लीडर बन गए, कई कुछ पापड़ बेले, तो मैं देखता था कि अखबारों में एक समय था जब लगता था कि आज अखबार में फोटो छप गई है बहुत महान काम हो गया। बाद में ये समझ में आया कि आज अखबार में फोटो छपी हुई है, कल उसी अखबार का किसी ने लिफाफा बनाया हुआ है, हमारे चेहरे पे आटा लगा हुआ कोई देख और हम बहुत खुश हो रहे देख देख। तो सारी चीजें जो है ये समय के साथ दूर हो जानी है, तो हमें हर दिन को एक अवसर के रूप में, एक मौके के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हमसे हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। दूसरा, एक चीज में और प्रार्थना पे बात हो रही थी आपने, कहा प्रार्थना हम बहुत करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ प्यास होनी चाहिए, कुछ जीवन में कुछ कर गुजरने की एक प्यास होनी चाहिए।
केवल इच्छा रखने से कि हमने ये करना है वो करना है, कुछ नहीं होता। उसके बाद प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्रयास होना चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए। कई बार लोग प्यास भी रखते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर तुरंत प्रतिफल चाहते हैं, लेकिन प्रतिफल तुरंत शायद ना आता हो तो प्रतीक्षा, पेशेंस, प्रतीक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो प्यास हो गई, प्रयास हो गया, प्रतीक्षा करने की क्षमता हो गई, और प्रतिफल आने से पहले प्रार्थना होनी चाहिए ईश्वर के पास, तब जाके प्रतिफल आता है। और अब प्रतिफल आपके मन के अनुसार होगा या आपके मन के अनुसार नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर आपको वो चीज देने योग्य समझता है या नहीं समझता है। कई बार जब प्रतिफल उल्टा हो जाता है, बहुत प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि क्या हो गया, हम तो ये किए वो किए, लेकिन वो चीज शायद, हमें ये मान लेना चाहिए कि वो चीज शायद हमारे लिए सही नहीं है, इसीलिए सारे प्रयासों और प्रयत्नों के बाद भी हमें हासिल नहीं हुई है। लेकिन जीवन में सहज रहने के लिए प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, वो हमें एक संबल देता है, एक आधार देता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के जीवन मार्ग और उसके यात्रा के मकसद का एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, और जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है, इंसान अपनी घड़ियां पूरी करके अपने आप चला जाएगा, उसको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक उसको वो पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, उस चक्र को पूरा करना ही पड़ता है। अब आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा जो मानना रहा है मूल रूप से कि जीवन में पाप और पुण्य क्या है, मेरी हर चीज की एक अपनी परिभाषा होती है। मेरी समझ से पाप आज के युग में सबसे बड़ा पाप हो गया कमजोर होना। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, बीमारियां घेर लें, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, धन नहीं आपके पास, कोई नाते रिश्तेदार आपको अपना नहीं बोलेगा, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा, तो कमजोर होना सबसे बड़ा पाप हो गया है, और ताकतवर होना सबसे बड़ा पुण्य हो गया है। लेकिन आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर आप अपनी ताकत को दूसरों के उद्धार में लगाते हैं, समाज की सेवा में लगाते हैं, अपने धन को, बिल गेट्स का नाम लिया अपने पाठक जी ने, बहुत धन कमाया, समाज में वितरित कर रहे हैं, वॉरेन बफेट हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल जो कर रहे हैं, तो आपके कर्म तो एक जगह है, लेकिन कर्म के पीछे नियत क्या है वो एक दूसरी चीज। तो नियत को मुराद होती है, जो आपकी नियत है ना उसके तक, तो मैं मतलब मिथिलांचल से हैं पाठक जी, चित्रगुप्त की पूजा बहुत होती है उस तरफ हम लोगों के, हाँ, तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि चित्रगुप्त का नाम चित्रगुप्त क्यों पड़ा, आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं चित्रगुप्त का नाम चित्रगुप्त? देखिए ऐसा है, मुझे बैठ नहीं जानता था एक्चुअली, एक बंदे नहीं बताया, उसने बोला ऐसा है कि जो हम प्रदर्शित करते हैं ना, और जो हमारे अंदर चलता रहता है वो बड़ा भिन्न रहता है। जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है ना, उसको केवल हम जानते हैं, या वो चित्रगुप्त है जो वो जानता है, जो हमारे अंदर को पढ़ सकता है, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। बोला कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाढ़ आई होती है, कई बार राजनीतिक लोग हैं जाते हैं कि कंबल बांटने जाते हैं, कंबल लेके खड़े हो जाएंगे, कोई गरीब बेचारा बुरे हालत में भीगा भागा आएगा तो लेके कंबल खड़े होंगे, इधर उधर देखेंगे, कोई कैमरा वाला नजर नहीं आएगा, तो बोलेगा अरे रुको पहले फोटो वाला कहाँ है। तो जब फोटो वाला ऐसे करके कैमरा ये करेगा तो कई लोग बड़े शातिर हो जाते हैं हमारे जैसे, कोई कैमरा उठाता है कि नहीं तुरंत, ऐसी नकली मुस्कुराहट मारते हैं, फोटो में वो मुस्कुराहट जरूर नजर है, तो अंदर में क्या चल रहा है? अंदर में ये चल रहा है, ये जो हमने आज फोटो खिंचवाई है, ये कल अखबारों में छपेगी, लोग कहेंगे कि नेताजी ने तो भाई आके बहुत लोगों की दुख तकलीफ में मदद की है, अंदर में ये नहीं चल रहा है कि ये जो गरीब आदमी कष्ट में है, इसके कष्ट में मैं क्या भागीदारी कर सकता हूं।
वो जो चित्रगुप्त है वो अखबार की फोटो पर आपके नंबर नहीं देता है, वो आपके अंदर में जो फोटो चल रहा है ना कि आपकी नियत क्या है उसके ऊपर आपके नंबर देता है। तो जो भी काम कीजिए जिंदगी में, एक तो उसको मन से कीजिए, बिल्कुल मन से। जिस काम को करने का मन ना करता हो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कीजिए तो पूरे मन से कीजिए, तब आपको उसका सही परिणाम और सही फल जीवन में। देखिए हमारे देश में क्रिकेट बड़ा ही पॉपुलर खेल हो गया, प्रसिद्ध खेल हो गया। बच्चा हो या बूढ़ा, हमारे दादा हैं गांव में 97 साल के, वो भी क्रिकेट का मैच आते हैं तो ऐसे करके देखते हैं टीवी को, क्या हुआ, 6 हुआ कि 4 हुआ, हम बोलते हैं दादा आउट हो गया बंदा। क्रिकेट में क्या होता है कि जब आदमी आउट होता है तो एम्पायर ऐसे करके उंगली उठाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि आउट क्रिकेट में, है ना। तो चलिए आपको एक छोटा सा एक अभ्यास ही करा देते हैं, ऐसे करके उंगली उठाइए, आप उंगली उठाइए ऐसे, और जो मैं कहता हूँ वो आप कीजिए। इस उंगली को ले जा करके अपनी ठुड्डी पर रखिए। अरे भाई मैंने बोला ठुड्डी पर रखिए, आप लोग नाक पर रखिए। भाई इसका मतलब ये है कि जो हम दूसरों को करने के लिए कहते हैं लोग वो नहीं करते, जो हम खुद करते होते हैं ना लोग हमें देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। जो आप चाहते हैं, कई बार मैं देखता हूं माता पिता को, पिता बोलता बेटा सिगरेट नहीं पीनी है, बहुत बुरी बात है, और खुद हमेशा सिगरेट पीता है, तो जब पिता चल जाता है तो बच्चा भी क्या करता है कि चौक उठा करके ऐसे करके उनका अनुसरण करता है। तो जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने या जो जीवन में हमारे नज़दीक हैं वो करें जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद वो करना होगा, तभी दूसरे उसका अनुसरण करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपसे कुछ बातें करने का अवसर मिला, जीवन इससे धन्य हुआ, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। Thank you. Thank you.